सीमांचल के इलाके में मूसलाधार कई दिनों से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहां लोगों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अररिया से कि 3 दिनों से मूसलाधार बारिश अररिया में हो रही है। नरपतगंज, फारबिसगंज, भरगामा, जो कि इन सब जगहों पे पानी मूसलाधार 3 दिन से बारिश होने की वजह से लोगों के घरों में पानी घुस गया है, खेत खलियानों में पानी घुस गया है। इसके अलावा लोग सड़कों पे पानी घुस गया, लोगों को आने जाने में बहुत ही परेशानी हो रही है और वहाँ की फसलें बर्बाद हो चुकी है। यानी 3 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है वहाँ। लोग परेशान हैं कि इस वहाँ से नेपाल ने भी पानी छोड़ा है। उन लोगों का कहना है कि कुछ ही रात भर में वो पानी जो है सैलाब के पानी के साथ इंटर करेगा और पानी का बढ़ाव हो जाएगा, तो हम लोग इस स्थिति में क्या करेंगे। और मैं बता दूं कि चुनाव आयोग की ओर से इलेक्शन का डेट अनाउंस कर दिया गया है, वहाँ उस एरिया में भी चुनाव होना है। अब देखने वाली बात यह है कि जहाँ इस वक्त सैलाब आया हुआ है, यानी फ्लड आया हुआ है, क्या उस जगह के चुनाव को रोका जा सकता है, कुछ दिनों के लिए टाला जा सकता है, या किसी स्थिति में वहाँ भी चुनाव कराया जा सकता है। मैं सीधा लेकर चलता हूँ अररिया, जहाँ बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, और देखते हैं कि वहाँ की क्या स्थिति बनी है।